स्वामी, ये बेस्ट वक्त है कि हम लोग एक दूसरे से नॉलेज भी शेयर करें। और जो मैं आज जिस टॉपिक को छेड़ने जा रहा हूँ वो है RSIs का, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी। कंटिन्यूसली जब आप किसी भी एक एक्शन को बार बार करते हैं और आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेस डेवलप होता है और वो कंटिन्यूसली हो रहा होता है और कुछ लगातार कुछ टाइम के लिए होता है, तो इस दौरान आपके मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स और सबसे बढ़ के नर्व्स पे एक स्ट्रेन डेवलप होता है। उस स्ट्रेन की वजह से इंजरी के चांसेस होते हैं और वो इंजरी समटाइम्स फील माइनर होती है लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वो इतना लंबा होता है और उसकी फिर रिकवरी का टाइम भी इसी तरह काफ़ी लंबा भी हो सकता है। लाइक RSI जो है, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, वैसे तो बहुत सारी तरह की होती हैं जो हमें खेलों में सिखाया गया और हमें बताया गया कि किस तरह खेल के दौरान या डिफरेंट एक्शंस के दौरान जो है हमारे रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज होती हैं। बट बिसाइड दिस, इन कॉमन लाइफ में मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ आजकल कि मेरा अपना जो है एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है इन्हीं 4-5 दिनों में, कि मैंने फील किया कि मेरी गर्दन में दबाव और खिंचाव आना शुरू हुआ। मुझे फील हुआ कि मेरे शोल्डर्स की बैक साइड जो एरियाज हैं, यू कैन से कि अपर बैक जो है, इसमें मुझे इचिंग फील हुई, मुझे इसमें जलन सी महसूस हुई और मुझे यूँ फील हुआ कि जैसे मेरी दो उंगलियां जो है ये सोना शुरू हो गई हैं, खासतौर पे जब मैं लेटा हुआ। और मुझे इस तरह फील होना शुरू हुआ कि जैसे मेरे सर में भी दबाव शुरू हुआ, मुझे अपनी आईज में भी जो है ना, अभी भी आपने फील किया होगा कि शायद टेयरिंग हो रही है, लाइक मुझे यहाँ से आंखों में पानी आना शुरू। तो ये तमाम रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी ही का मैं खुमियाजा भुगतता हूँ। और जब मैंने फील किया तो मैंने वैसे ही अपने मोबाइल पे मौजूद अपने हेल्थ एनालाइजर को जब चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं एवरेज 4 आवर्स मोबाइल को इस्तेमाल कर। अब मोबाइल का इस्तेमाल 2-3 मेजर इंजरीज डेवलप करता है। एक तो ये है कि जो लोग चैटिंग ज़्यादा कर रहे हैं उन्हें ट्रिगर फिगर एक इंजरी है जो उंगलियों में जॉइंट्स और हाथों में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको होल्ड किया जाता है मोबाइल को और जब होल्ड किया जाता है तो उस टाइम ज़्यादा देर होल्ड रखने से आपके बाजुओं में और इसमें स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है और सेल एल्बो के भी चांसेस होते हैं। सेल एल्बो अक्सर आप जो कान के साथ फोन में ज़्यादा देर लगा के रखते हैं इसकी वजह से भी होता है। और ये जो नेक का मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई डेंजरस प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आप लगातार फ़ोन को इस सिग्नल पे देख रहे हैं। जब यहाँ पे आप फ़ोन को देख रहे हैं तो आपकी गर्दन जो है बिल्कुल मुड़ जाती है। जब अभी मैंने तो क्योंकि ये नेक कॉलर यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी गर्दन अब नीचे की तरफ नहीं जा रही, तो मैंने तो अपनी सेफ्टीज के लिए इसको नेक कॉलर को यूज़ कर मैशन किया है और मुझे कल से इसमें काफ़ी रिलीफ भी है। और फोर्थ चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी आइज में, क्योंकि उसके जो आपकी स्क्रीन में से जो शुआएं निकल रही हैं वो आपकी आइज के लिए भी इतना ही डेंजरस है। और लगातार आप भले कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या मोबाइल पे, तो आप तमाम चीज़ों का ज़हन में रखिए कि ये आपके लिए इतना ही इंजरी का बायस बन सकती है और आपकी नर्व्स को डैमेज कर सकती है। नर्व्स को डैमेज करने का मतलब ये है कि आपके नर्वस सिस्टम पर ये अफेक्ट कर सकती है। और नेक का तो ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूँ, ये आपको आपके सर्वाइकल मींस के अपर रीजन ऑफ जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है इसके अपर पोर्शन जो है, जो मोरे होते हैं आपके, उस मोरों में आगे की तरफ दबाव बढ़ जाता है और बैक साइड से उसके गैप डेवलप होना शुरू हो जाता है और इस गैप की वजह से आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकता है और फ्यूचर में जब आपकी नर्व्स डैमेज होती हैं उन्हीं जॉइंट्स में आके या उनकी वजह से उसका आपके वर्टिब्रास में जो डिस्टेंस क्रिएट होता है
उसकी वजह से आपका पूरा बॉडी के सिस्टम में ही अफेक्ट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बाजू की ये दो दो उंगलियां जो है सोनी शुरू हो गई थी। अब ये वाले छोटे छोटे मसाइल जब स्टार्ट हुए तो मैंने तो इसको केयर करने के लिए कंसल्ट भी किया डॉक्टर से, और सबसे बड़ी बात यह मैंने इसको मज़ीद स्टडी करना शुरू किया, और मेरा दिल किया कि मैं ये आपकी आगाही के लिए आपकी रहनुमाई भी कर दूँ। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा देर मोबाइल पे ना रहें, और अगर आपको टाइम किल करने के लिए करना ही पड़ रहा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ी सी थोड़ी देर बाद, आप 15 से 20 मिनट के बाद, आप मोबाइल की अगर स्क्रीन पे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, या समटाइम्स व्हाट्सएप बहुत बड़ी बीमारी आ चुकी हुई है जो मैं समझता हूँ कि इतना ही टाइम वेस्टिंग भी है, बट आप ज़्यादातर काम आप मोबाइल ही पे कर रहे हैं। आपने समटाइम्स कोई स्टोरी देनी होगी तो भी आप चैट करके कर रहे हैं, आप उस पर टाइप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी उंगलियों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हाथों में भी, और आपके शोल्डर्स में भी। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी देर आप अपना हाथ सिर्फ इस जगह पे करके रखिए, आपको फील होगा कि आपके शोल्डर्स, आपकी एल्बोज और आपके इस बैक वाले मसल्स में स्ट्रेस बढ़ रहा है। जब ये दबाव होगा तो यकीनन आपको प्रॉब्लम्स होंगी। इस स्ट्रेस इंजरी स्टार्ट हो जाती है तो इस स्ट्रेस इंजरी में देखिए, समटाइम्स हम लोग महसूस ही नहीं करते कि कोई इंजरी है हमें, लगातार जब स्ट्रेस डेवलप हो रहा होता है तो हमारे जहन में ये होता है कि शायद कॉमन सी कोई चीज़ चल रही है, बट अगर तो आप डायग्नोज कर लेते हैं अपने आप को कि आपकी ये इंजरी मोबाइल की वजह से हो रही है, आपके हाथों में, शोल्डर में, नेक में, या आइज में, या पूरी बॉडी में कहीं आपको स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो इट मीन्स कि आप स्क्रीन टाइम को बढ़ा रहे हैं। आप फौरी तौर पे कोशिश करें कि इस इंजरी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको स्ट्रेटली बताऊं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप मोबाइल से, या अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं तो इससे थोड़ा सा अपने आप को हटा दीजिए। आप उन बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए, उनके मूवमेंट्स कीजिए, उनकी स्ट्रेचिंग कीजिए। आपने देखा होगा कि बिल्ली भी जब लगातार सो के उठती है तो अपनी स्ट्रेचिंग करती है, और तकरीबन हर जानवर भी करता है, शायद इंसान भी कभी कभी अपनी अंगड़ाइयाँ लेता है, लेकिन आप इन अंगड़ाइयों के, इन स्ट्रेचिंग के साथ साथ आप अपने नेक नेक की एक्सरसाइजेस कीजिए, आपको सारी साइड पे इसको घुमाएं, ठीक है। और अगर आप फील करें कि ये इंजरी जो है तो 1 वीक से ज़्यादा हो चुकी हुई है और आपका ये रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना तो आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, तो नॉर्मली तो हम लोग इसका एक फार्मूला अप्लाई करते होते हैं कि रेस्ट देना होता है हम लोगों ने एक उसको, समटाइम्स अगर हमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या पेन फील हो रहा है तो उसमें हम लोग आइसिंग इसकी करते हैं, और इसको अपनी हार्ट लेवल से एलिवेट करके रखते हैं, और कंप्रेशन मीन्स इसको लपेट भी देते हैं, लाइक इसको बैंडेज कर दी या इसको कंप्रेस कर लिया। बट ये वो इंजरीज हैं जो शायद समटाइम्स ओपन इंजरीज होती हैं, इन इंजरीज के लिए आपका रेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दूसरा ये है कि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर करें, लाइक अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी देर के लिए आप इससे छोड़ दें। आप अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम इसको इस्तेमाल करें, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने किसी आर्थोपेडिक डॉक्टर या अपने फिजिशियन से ज़रूर रब्ता करें, वो आपको इसमें बहुत बेहतर राय देगा, और समटाइम्स मेडिसिन से भी चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे एट होम। थैंक यू।